अगर आप स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन किसी और पेशे से जुड़े हैं, तो भी आप बच्चों को पढ़ा सकेंगे। मोदी सरकार आपको पढ़ाने के अपने सपने को पूरा करने का मौका देने जा रही है। ऐसे लोगों के लिए जो शिक्षक नहीं है लेकिन बच्चों को पढ़ाने की हसरत रखते हैं, मोदी सरकार 16 जून से विद्यांजलि योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षक होने की बाध्यता खत्म होगी। इस योजना का मकसद आम जन को सरकारी स्कूलों से जोड़कर उनका विकास करना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से विद्यांजलि योजना की शुरुआत आगामी 16 जून से होगी। पहले चरण में देश के 210 राज्यों के सरकारी स्कूलों में योजना लागू होगी। 8 फरवरी को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की राज्यों के अफसरों के साथ बैठक में इस योजना के संचालन पर सहमति बनी। खास बात यह है कि हुनरमंद महिलाओं के साथ कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति या NRI स्कूलों में पढ़ा सकता है। रिटायर्ड शिक्षक, सरकारी कर्मी, सेना के जवान भी पे स्केल पर पढ़ा सकते हैं। विद्यांजलि योजना के तहत कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी भी सरकारी स्कूल से जुड़ सकता है। इसके लिए MyGOV.in वेबसाइट पर स्कूल के नाम के साथ आवेदन करना होगा। NMF न्यूज की रिपोर्ट।